नमस्कार दोस्तों, एनजी न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। दोस्तों, उकलाना मंडी के सूर्यवाड़ा मोड़ पर राजस्थान पुलिस और हरियाणा पुलिस ने मिलकर चार बदमाशों का पीछा करते हुए दो बदमाशों को पकड़ लिया, जिससे उनसे 17 किलो सोना, 8.5 लाख रुपए राजस्थान से लूटकर लाए थे। और राजस्थान की पुलिस इनका पीछा कर रही थी, हरियाणा पुलिस को सूचना दी गई तो बरवाड़ा के DSP और हिसार रेंज के SP और DSP भी मौके पर पहुंचे और उकलाना के सूर्यवाड़ा मोड़ पर आकर इन बदमाशों को पकड़ लिया, जिससे मौके पर दो बदमाश फरार हो गए और दो बदमाशों को I-20 कार के साथ पकड़ लिया गया। उनसे 17 किलो सोना, 8.5 लाख रुपए नकदी बरामद की गई। हरियाणा पुलिस को उन्होंने सूचना दे दी और हरियाणा पुलिस ने सूर्यवाला मोड़ के समीप लुटेरे को घेर लिया। लगभग 4 लोग गाड़ी में सवार थे। लोगों की जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि जो 2 लोग हैं वो मौके से फरार हो गए और जो 2 लोग हैं उनको पुलिस ने धर दबोचा। सामने की तस्वीरों में आप लोग देख सकते हैं, जो सूमो गाड़ी खड़ी है उसमें वह जो लुटेरे हैं उनमें से एक व्यक्ति उसमें पुलिस ने बैठा रखा है। राजस्थान के पुलिस अधीक्षक अपने काफिले के साथ मौके पर पहुंच चुके हैं। भारी भीड़ यहां पर मौजूद है। अब पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, यह बात अभी विचाराधीन है। लेकिन मौके की सूचना पाकर DSP बरवाला के DSP रोहतास सिहाग और हिसार के DSP जोगेंद्र शर्मा मौके पर पहुंच चुके हैं। और अभी फ़िलहाल बिल्कुल सामने की तस्वीरों में आप लोग देख सकते हैं कि जो राजस्थान के SP है वो जानकारी ले रहे हैं हरियाणा पुलिस से। उसके बाद प्रेस वार्ता पुलिस अधीक्षक के द्वारा की जाएगी और जो जानकारी है वो प्रेस के लोगों को बताई जाएगी। समय रहते रहते यहाँ पर लोगों की भारी भीड़ मौके पर जमा हो गई है। लुटेरों का जब पुलिस ने पीछा किया तो उन्हें कोई सूर्यवाला मोड़ के समीप अन्य कोई जगह न मिलने के कारण यहाँ के एक फार्म हाउस में उन्होंने गाड़ी को एंटर करवा दिया। अभी जो राजस्थान पुलिस है और हरियाणा पुलिस है उसके अधिकारी और कर्मचारी वहाँ पर विचार विमर्श कर रहे हैं कि किस प्रकार से पूरी वारदात हुई। और बिल्कुल सामने की तस्वीरों में आप देख सकते हैं 25 किलो जो सोना बताया जा रहा है वो इस I-20 गाड़ी के अंदर मौजूद है। जैसे जैसे लोगों को पता चलता रहा लोग मौके पर पहुंचना प्रारंभ हो गए और धीरे धीरे भारी भीड़ जुट गई। चार साढ़े चार बजे के आसपास का यह मामला बताया जा रहा है। वस्तु उकलाना के लिए एक बहुत बड़ी खबर है।